हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। बात करते हैं दास ग्रेड एग्जाम के क्लास नंबर 5 में, जिसमें डिस्कस करेंगे अपने हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण शब्द शुद्धि के क्वेश्चनों को, जो कि लास्ट ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि DTPLS भी हर अपने ऑनलाइन एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन शब्द शुद्धि से दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। TGT 2010 में पूछा था, DTPLS भी नहीं। महात्म्य तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। तो अपने महात्म्य को लिखते हैं, वो इस प्रकार से लिखते हैं, महात्म्य। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा शब्द शुद्ध हुआ और ये बहुत बार हर एग्जाम में पूछा गया है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो शुद्ध है। अगर इस शब्द की बात करें तो स्टूडेंट, अगर इसको मैं तोड़ता हूं तो ये किस प्रकार टूटेगा, ये टूटेगा महात्मा, इसमें महात्मा प्लस यह में। जब भी किसी प्रत्यय में यह आता है और वो शब्द के साथ जुड़ता है, तो पहले वाले शब्द में जो मात्रा होती है उसको बड़ा कर देता है। अब इसमें मात्रा ए की है, अगर इसको बड़ा करेगा तो वो क्या मात्रा में चेंज हो जाएगी, आ मात्रा में चेंज हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा, महात्म्य। ठीक है, अगर इसमें शब्द अगर देखूं कि कौन सा शब्द निकलता है, तो शब्द निकलता है महात्मा, और प्रत्यय की बात करूं तो प्रत्यय निकलता है यह। कौन सा प्रत्यय निकलता है, प्रत्यय निकलता है यह। अगर इस वर्ड की और बात करूं तो स्टूडेंट ये है एक भाववाचक संज्ञा। कौन सी भाववाचक संज्ञा, जब भी मैंने कहा था किसी भी शब्द के पीछे यह प्रत्यय लगा होगा तो वह मोस्टली भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे सौंदर्य की बात करूं, किसकी सौंदर्य की बात करूं, तो सौंदर्य में भी यह प्रत्यय है। अगर माधुर्य की बात करूं तो उसमें भी क्या स्टूडेंट, उसमें भी यह प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एक शब्द शुद्ध है, ये TGT PGT SI तीनों पेपर में पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, और देखते हैं प्रियदर्शनी। तो देखिए स्टूडेंट, प्रियदर्शनी को लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से, प्रियदर्शनी। ठीक है स्टूडेंट, बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है और अपने इजी टॉपिक को मोस्टली गलत करके आते हैं। तो जो फोर्थ ऑप्शन है स्टूडेंट वो बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे स्टूडेंट आपको क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक पेज पर आपको मिल जाएंगे। यदि अभी तक आपने मुझे वहाँ फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप वहाँ मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं या अपने कुछ जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक पेज या DTPLS प्रिपरेशन से टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको ईजिली से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से सही शब्द बताना है। जलूस, आप्लावित, पारितोषक या अतिशयोक्ति। तो देखिए जुलूस इस प्रकार से नहीं लिखा था, जुलूस इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये तो गलत हो गया भाई। जुलूस इस प्रकार से लिखा जाता है, उसने पूछा था कि कौन सा शब्द शुद्ध है, ये तो अशुद्ध हुआ। अगर नेक्स्ट शब्द देखते हैं पारितोषक, तो पारितोषक नहीं तो पारितोषिक होता है, जिसको इनाम बोलते हैं, तो वो ई की मात्रा इन्होंने लगाई नहीं, तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये भी गलत हो गया। अगर बात करें अतिशयोक्ति, तो अतिशयोक्ति नहीं होता स्टूडेंट, अतिशयोक्ति होता है, कौन सा, अतिशयोक्ति, ये इस प्रकार से वर्ड होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर इस शब्द की बात करूं तो इस शब्द में अगर मैं संधि विच्छेद कहूं तो आपको संधि विच्छेद कौन सा होगा, देखिए जहां ओ की मात्रा होती है वहां गुण संधि होती है, कौन सी होती है, गुण संधि। और अगर इसको मैं तोड़ूंगा तो किस प्रकार निकलेगा, अतिशय प्लस उक्त, किस में निकलेगा, अतिशय प्लस उक्त, इसका संधि विच्छेद होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए स्टूडेंट किसी ना किसी एग्जाम में। तो ये तीनों के तीनों शब्द क्या है, अशुद्ध हैं। और रह गया आप्लावित, जो कि एक शुद्ध शब्द है, मोस्टली बच्चे इसको टिक करके आते हैं क्योंकि अजीब सा शब्द है, कहीं पढ़ा नहीं हुआ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SSC स्टैंडर्ड में पूछा गया है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनने अपने को, श्रेय, ब्रह्मा, स्वतंत्र या अलहदित। तो देखिए श्रेयर नहीं होता, श्रेयस्कर होता है, क्या होता है, श्रेयस्कर होता है, ये गलत है। और ब्रह्मा इस प्रकार से नहीं लिखते स्टूडेंट, ब्रह्मा इस प्रकार से लिखते हैं अपने, तो देखिए इसमें बहुत अंतर है। ठीक है, तो ये भी गलत है। अगर अलहदित नहीं होता स्टूडेंट, ये लय और है दोनों को चेंज कर दिया, यहां आधा लय दे दिया, जबकि आना क्या चाहिए था, आधा है आना चाहिए था, आहलादित आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, आहलादित, और इन्होंने क्या बना दिया, अलहदित।
तो बल्कि ये शब्द शुद्ध है और स्वतंत्र है, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अपने को बचाना था कि शुद्ध शब्द कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं, सही शब्द बताना है। तरुण 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 तरुण, देखिए जो इनका जो साउंड है, इनकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन जब लिखते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है। लेकिन मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, तरुण में जो रैप और मात्रा आती है ना, उसको बड़े ऊ की डाल देते हैं, जबकि बड़े ऊ की नहीं आती स्टूडेंट, छोटे ऊ की मात्रा आती है और लास्ट में न इस प्रकार से नहीं आता, न इस प्रकार से आता है। तो देखिए बड़े ऊ की मात्रा कट गई और लास्ट में इस प्रकार से ये भी कट गया। अब देखिए छोटे ऊ इसमें आएगा और न ये वाला आएगा, ये कौन सा ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए वीडियो डेली टू डेली आपको मिल रही है, बस आपका ये काम है कि आप उन सभी को शेयर कीजिए जो DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि हमें भी अच्छा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुँचे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला शब्द है रासायनिक, रासायनिक या रासायनिक कौन सा है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कौन सा, महात्म्य। अगर मैं इसमें से प्रत्यय निकालता हूं तो क्या निकलेगा, रसायन। क्या निकलेगा, रसायन तो मूल शब्द निकल गया, लेकिन प्रत्यय क्या निकलेगा, इक निकलेगा। जब प्रत्यय में इसमें ए इसके साथ जुड़ेगा तो पहले वाली मात्रा जो ह्रस्व है उसको क्या कर देगा, दीर्घ कर देगा। तो दीर्घ करने से ये क्या मात्रा के साथ क्या लग जाएगा, ये आ लग जाएगा और ये दीर्घ बन जाएगी, क्या बन जाएगा, रासायनिक। क्या बन जाएगा, रासायनिक। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ, मनु प्लस ए, जब मैं इसको ए को इसके साथ जोड़ता हूँ तो ये देखिए मात्रा क्या थी, ह्रस्व, क्या बन जाएगी, दीर्घ बन जाएगी और ये क्या बन जाएगा, मानव बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सही वर्तनी वाला शब्द, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर अपने बोलते हैं तो जाह्नवी बोलते हैं, लेकिन जाह्नवी बोलने में और लिखने में बहुत अंतर है। लिखते हैं तो जाह्नवी बोलते हैं, लेकिन जाह्नवी होता है ना कि जाह्नवी होता है। तो देखिए ये तो बिल्कुल मोस्टली बच्चे इसको करके आएंगे ठीक, क्योंकि क्या कहते हैं, जाह्नवी बोलते हैं, लेकिन जाह्नवी नहीं होता स्टूडेंट, जाह्नवी होता है। क्या होता है, जाह्नवी, जो कि सेकेंड थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर पूछूं कि जाह्नवी किसका पर्यायवाची है, तो जाह्नवी होता है गंगा का, गंगा को जाह्नवी और बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द बताना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। युधिष्ठिर, क्या युधिष्ठिर, बहुत से लोग युधिष्ठिर में टै समझ लेते हैं, ठीक है, टै नहीं आता, ठ आता है, एक गलती तो यहाँ करते हैं। ठीक है, दूसरी गलती क्या करते हैं, युधिष्ठिर की जो ये मात्रा है इसको बड़ी कर देते हैं ई की, लेकिन जबकि युधिष्ठिर किस प्रकार लिखते हैं, युधिष्ठिर, ठीक है, जो कि पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगर अपने वन वर्ड की बात करें, युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जो व्यक्ति युद्ध में स्थिर रहता है उसे बोलते हैं युधिष्ठिर। क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर। एक क्वेश्चन और आपके लिए है, अगर इसका संधि विच्छेद करूं स्टूडेंट, तो मैंने आपको संधि, व्यंजन संधि करवाई है, उसके अंदर युधि प्लस क्या बनेगा, स्थिर बनेगा। क्या बनेगा, युधि प्लस स्थिर, इसको तोड़ो तो क्या बनेगा, युधि प्लस स्थिर। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है। देखिए कौन सा इनमें से अशुद्ध शब्द है, एक तो यथेष्ट दे रखा है, यथेष्ट, अगर इसको ये टै है ना कि ठ है, एक गलती तो यहाँ करते हैं, अपने को बताना कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो यथेष्ट तो बिल्कुल सही है, अगर इसमें इसको तोड़ूं तो क्या निकलेगा, यथा प्लस इष्ट, जो कि गुण संधि का एग्जाम्पल है स्टूडेंट, किसका, गुण संधि का, ये तो बिल्कुल सही है। भुजांगिनी भी बिल्कुल सही है, ठीक है, लघुत्तर भी बिल्कुल सही है, लघुत्तर किसका एग्जाम्पल है, दीर्घ संधि का, अगर इसको तोड़ूं तो स्टूडेंट क्या निकलेगा, लघु प्लस उत्तर, जब ये दोनों ऊ मिलेंगे तो बड़ा ऊ का निर्माण करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, प्रदर्शनी गलत है, प्रदर्शनी इस प्रकार से लिखा जाता है स्टूडेंट, मात्रा नहीं आएगी, ठीक है, गलत है ये बात। किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है, पहला ज्योत्सना, झांसी, तदुपरांत तनख्वा। देखिए ज्योत्सना, मोस्टली ज्योत्सना हर बार पेपर में पूछा जाता है, लेकिन ज्योत्सना शब्द ऐसा नहीं होता स्टूडेंट, ज्योत्सना को लिखा जाता है ज्योत्सना, ये वाला वर्ड होता है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। अब तदुपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है, इस प्रकार से मात्रा आएगी स्टूडेंट, छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ये भी गलत है। झांसी में बिंदी नहीं आएगी, झांसी में क्या आएगा स्टूडेंट, चंद्र बिंदु आएगा, तो इस प्रकार से ये भी गलत है। और तनख्वाह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है शुद्ध शब्द बताना है श्रृंगार। अब देखिए श्रृंगार भी मोस्टली सिंगार, ये सिंगार, ये श्रृंगार, श्रृंगार,
ये श्रृंगार, तो देखिए श्रृंगार होता है रैरिशि की मात्रा के कारण ये शब्द शुद्ध माना जाता है, अशुद्ध शुद्ध माना जाता है, तो श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाला शब्द बताना है अपने को आध्यात्मिक, वही बात है जब अपने इसमें से प्रत्यय निकालेंगे तो मात्रा क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, अगर मैं इसको तोड़ूं तो किस में टूटेगा, अध्यात्म, किस में टूटेगा, अध्यात्म प्लस एक, जैसे इसके अंदर ये प्रत्यय जुड़ेगा तो ये मात्रा क्या हो जाएगी, ये मात्रा बड़ी बन जाएगी, पूरे शब्द में चेंज आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी आध्यात्मिक। और ये जो आध्यात्मिक ये तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट, क्या आध्यात्मिक, क्या आध्यात्मिक, ठीक है। अगर इसको तोड़ता हूं तो स्टूडेंट इसमें प्रत्यय क्या निकलता है, अध्यात्म प्लस एक, ठीक है। अगर इसमें मूल शब्द निकालना चाहूं तो इसमें उपसर्ग निकलेगा अधि प्लस आत्म प्लस एक, इस प्रकार से ये टूटेगा और मूल शब्द निकलेगा आत्म, ठीक है। उपसर्ग हो गया अधि और एक क्या हो गया प्रत्यय। नेक्स्ट देखते हैं सही वर्तनी वाला शब्द है यानी प्रतिज्ञा आशीर्वाद अनाधिकार, ये इस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए यानी, यानी में यानी या तो इस प्रकार से लिखा जाता है स्टूडेंट, यानी इस प्रकार से लिखा, दोनों ही हिंदी में प्रचलन है तो यहां हलंत नहीं लगेगा, इस कारण ये गलत है, ठीक है। अनधिकार होता है ये भी गलत हो गया, प्रतिज्ञा ऐसे लिखी जाती है स्टूडेंट ये भी गलत हो गया, आशीर्वाद बिल्कुल सही है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द लिखिए। अब देखिए अभी मैं बात करके गया था ज्योत्सना, ज्योत्सना ऐसे नहीं होता स्टूडेंट, इस प्रकार से लिखा जाता है ज्योत्सना, आधा ते आएगा आधा से आएगा और ना आएगा, ये बिल्कुल गलत है। उसने अशुद्ध बताना वार्ड में बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि करते हैं 19वीं सदी बिल्कुल सही, 5वां में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाला शब्द, अब ईर्ष्या इस प्रकार से लिखाती है, बहुत बच्चे ईर्ष्या को इस प्रकार लिखते हैं लेकिन ये गलत है, ईर्ष्या इस प्रकार से लिखी जाती है स्टूडेंट, ठीक है, जो कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये थी हमारी शब्द शुद्धि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसी प्रकार चलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो हल्का सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छे शेयर करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।